हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर टाइम होगा लगभग 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होगा। और यहाँ ये देखिए, मैं कर रही हूँ पूजा के जो कपड़े होते हैं, जो मतलब भगवान जी के वो ड्रेस हैं उनकी, वो धो रही हूँ। तो वैसे तो डेली ही धुलती हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि वीडियो में भी दिखा देती हूँ। तो ये भगवान जी की जो विंटर की ड्रेस उतरी थी वो धो रही हूँ मैं। और भगवान जी की जो ड्रेस है उसे हम अलग से ही धोते हैं, ना तो उन्हें वॉशिंग मशीन में, ना वैसे कपड़ों में, ना ही बाथरूम की बाल्टी में, किसी भी चीज़ में नहीं धोते हैं। तो ये किचन में एक डोंगा है मेरे में बड़ा सा, तो इसमें अच्छे से धुल जाते हैं जो भगवान जी के कपड़े हैं, तो वही वॉश कर रही हूँ मैं। देखिए, पूजा के कपड़े वगैरह धुलने के बाद फिर मैं नहा ली थी, और नहाने धोने के बाद खाने की मैंने कुछ तैयारी पहले ही कर दी थी, और बस दाल छौंकी थी नहाने के बाद। और अब यहाँ पे आ चुकी हैं चाची जी, तो मुझे और चाची जी को कहीं जाना था। तो वैसे तो पहले ही हमारी बात हो चुकी थी, तो इसी वजह से मैंने काम जल्दी जल्दी से निपटा लिया था, अपने कपड़े वगैरह सब धुल के। और सुखाए नहीं थे, क्योंकि सुखाए थे वो मैंने अगले दिन कपड़े, क्योंकि इतना बिजी हो गई मैं इस दिन के काफ़ी टाइम लग गया, 2 बार बाजार गई, तो उसी चक्कर में कपड़े मेरे नहीं सूख पाए थे। तो यहाँ पर ये देखिए, हम खाना खा रहे हैं, और खाना खाते खाते अपने पुराने टाइम की बात यादें कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम और चाची जी, मतलब जहाँ हमारा घर है और उसी कॉलोनी में ही रहती थी चाची जी भी, और हमारे मतलब बिल्कुल बराबर बराबर में घर थे। और अब चाची थोड़ी सी दूर चली गई हैं हमसे, लेकिन हमारा आना जाना फिर भी लगा रहता है, कभी वो आ जाती हैं कभी हम चले जाते हैं। तो वही सब बातें हम याद कर रहे थे, और कुछ पुराने टाइम की बातें थी, जैसे कि मतलब शादी से पहले। तो शादी से पहले हमारे मतलब पड़ोस का जो माहौल था वो इस तरह का था कि अगर एक घर में कोई सब्जी बनी है तो वो मतलब सभी के बट जाती थी थोड़ी थोड़ी, इस तरह से जैसे मतलब लेना देना आपस में सब्जी का, इस तरह की चीज़ों का चलता रहता था। तो बहुत मन लगता था पहले टाइम में, लेकिन अब तो ये सब चीज़ें नहीं रह गई हैं। पहले ऐसा होता था गांव देहात में, मतलब अपने आपस के ही घर होते थे, जैसे अपने चाचा हो गए, ताऊ हो गए, इस तरह के घर होते थे, तो आपस में खूब सब्जियों का और इन तरह की चीज़ों का बहुत लेन देन चलता था, और मन भी लगता था इन चीज़ों में। लेकिन आजकल तो ये चीज़ें नहीं रह गई हैं, क्योंकि पहली बात तो सब ज़्यादातर गाँवों को छोड़कर शहरों में आ गए हैं, और सब मतलब एक दूसरे से, कोई कहीं का है कोई कहीं का है, बहुत दूर दूर के पड़ोसी रहते हैं, तो कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि पड़ोसियों के आपस में बोलचाल तक भी नहीं होती है। तो यही सब बातें हम याद कर रहे थे। लाइट कम सी हो रही है, लाइट जला दो थोड़ी सी देर। हेलो एवरीवन, हाँ अब हम जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जी, दोपहर के बज चुके हैं, कितना टाइम होगा, 2 ही बज गए, तो टाइम भी बहुत हो गया, 2 बज गए। और अभी अभी खाना वाना खा के और तैयार हुई हूँ मैं, और चाची जी आई हुई हैं, तो चाची और मैं जाएंगे बाजार, और एक दो काम है, सुनार की दुकान पे भी जाना है, सुनार की दुकान पे कुछ काम है, और मार्केट में एक दो काम है तो वो करने हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, और चाची जी कर रही हैं इंतजार टॉयलेट खाली होने का, और कपड़े डालू ना अपने उस पे डालूंगी, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं अच्छे तो ये बड़े लगे हैं।
पर वो ये है फिर। तो जी ये देखिए, सबसे पहले हम आए हैं सुनार की दुकान पे। तो सुनार की दुकान से चाची जी को अपनी नोज पिन चेंज करनी थी, वही चेंज करने के लिए आए थे। और यहाँ पर ये देखिए, सुनार भैया ने हमें दिखाए थे सेट। तो ये वो सेट हैं जो कि मतलब गोल्ड के बिल्कुल एकदम नकल होते हैं, मतलब वो बिल्कुल ही गोल्ड लगते हैं। अगर आप वीडियो में इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन आप रियल में अगर देखोगे तो बिल्कुल गोल्ड के ही जो सेट होते हैं उसी की तरह बनावट के ही ज़्यादा टाइम लग गया। और वो सेट वगैरह बस वैसे ही देख रहे थे, लिया कुछ नहीं था उनमें से। और उसके बाद हम आ गए हैं, ये संडे मार्केट है। तो संडे मार्केट से एक दो सामान लिए थे, दो तीन गमले वमले लिए थे मैंने, एक दो और छोटे मोटे सामान थे वो लिए। ये लिया मैं, और एक चप्पल देखनी थी मुझे, पर जैसी चप्पल ना ऐसी ना मुझे वैसी चाहिए वे मोटी वाली, ना ना ये भी ना, जो ऊंची सी आती है वो चाहिए। इनमें मेरे पैर दुखे हैं, मेरे उनमें सीने में दुखे हैं पैर। तो जी ये देखिए, मैं आ चुकी हूँ घर, और घर पे आने के बाद अच्छा हेलो करो जल्दी से, मैंने हेलो और खाना हेलो मतलब खा के ही गए थे। तो हेलो हेलो तो सब कर लेना, और खाना खा ली जल्दी से, शीरो जल्दी खाना खा ले, पीने के बाद खाना खत्म करें आराम किया। और उसके बाद फिर मैं दोबारा गई थी, जल्दी खा ले शीरो, मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी, इसी के साथ इस वीडियो का एंड कर दूंगी। खाना खा ले चल जल्दी, मिलती हूं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जल्दी जब भी जाएगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।